press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मेरे पास है वीवो का Y90। इसका मॉडल नंबर है वीवो 1908 और इसमें पासवर्ड लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो हम इसे आज अनलॉक करने वाले हैं, वो भी विदाउट एनी बॉक्स, विदाउट एनी रुपीज़, एनी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक पीसी और कुछ भी नहीं, बाकी मेरा साथ। तो आपको फ़ोन को आपके अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है और स्विच ऑफ कर लेने के बाद डायरेक्टली आपको आना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मिरेकल का क्रैक वर्जन 2.82। इसका लिंक हम आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको नहीं पता है कि इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं तो हम उसका वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको MTK में सर्विस पे फॉर्मेट पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 8 बूट सेलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सल हटा के वीवो का Y83 सेलेक्ट करना और सेफ मोड हटा के एडवांस FIP को चेक करके स्टार्ट बटन क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सिंपली आपको अपने फ़ोन को कंप्यूटर से USB डाटा केबल के माध्यम से कनेक्ट कर लेना है। फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा फॉर्मेट होने के बाद ही। यहाँ पे जब बैटरी चार्जिंग सिंबल दिखा दे तो आपको फ़ोन को अनप्लग कर देना है। यहाँ पे दिख चुका है, अब हम अपने फ़ोन को कंप्यूटर के डाटा केबल से अनप्लग करेंगे। और अनप्लग करने के बाद फ़ोन को स्विच ऑन करेंगे फ्रेंड्स। स्विच ऑन करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़ोन स्विच ऑन हो रहा है, तब तक हम आपसे एक बात बोलना चाहते हैं फ्रेंड्स। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है और बहुत मेहनत लगती है बनाने में फ्रेंड्स। अगर वीडियो से आपका हेल्प हो रहा है फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, ऐसे छोड़ कर ना जाए। और कमेंट करके बताएं आपका फ़ोन अनलॉक हुआ या नहीं हुआ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, मोटिवेशनल कमेंट करें और मोटिव लाएं कि हाँ हम ऐसे हमेशा वीडियो बनाते रहें और आप सबका हेल्प मिलता रहे फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे फ्रेंड्स और कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है और हम अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। यहाँ पे जब कोई फ़ोन को रीसेट करने के बाद जो स्टेप फॉलो करते हैं, यानी कि कंट्री, लैंग्वेज वगैरह वगैरह सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसके बाद स्किप नेक्स्ट स्किप करते हुए अपने फ़ोन को स्विच ऑन कर लेना है, सेटअप कर लेना फ्रेंड्स। अगर आपका फ़ोन FRP में फंसता है, अगर Google ID मांगता है
गूगल अकाउंट रिमूव करने का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका है FRP बाईपास करके, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।